सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोकैड में इस ड्राइंग को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी एक ड्राइंग बना कर रखी है, तो इसको फिर से हम ऑटोकैड में ड्रॉ करके दिखाएंगे कैसे ड्रॉ करते हैं और कौन कौन से कमांड हम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक फेन का ब्लेड है ड्राइंग। तो सबसे पहले हम ड्राइंग रीड करेंगे। तो देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले दो सर्कल ड्रॉ करने होंगे जिनका डायमीटर है 24 और सेकंड सर्कल है डायमीटर 6 का। उसके बाद यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी 54 की। उसके बाद फिर से यहाँ से आपको दो सर्कल ड्रॉ करने होंगे रेडियस 30 का और रेडियस 42 का। फिर से यहाँ इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जिनकी लेंथ है 24 mm। देखो ये सभी डायमेंशन है वो सभी mm में है। उसके बाद यहाँ से आपको भी यहाँ से इन सर्कल को फिर से मूव करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए कमांड बार में टाइप कीजिए सी, उसके बाद एंटर, उसके बाद क्लिक कीजिए। उसके बाद अगर आपको डायमीटर ड्रॉ करना है या फिर रेडियस ड्रॉ करना है तो डायमीटर के लिए टाइप कीजिए डी, उसके बाद एंटर, उसके बाद डायमीटर 24, उसके बाद फिर से एंटर, फिर से सर्कल, एंटर, सेंटर पॉइंट, डायमीटर के लिए डी, उसके बाद एंटर, डायमीटर 6, उसके बाद एंटर, इस तरह से। उसके बाद हम लाइन लेंगे। लाइन कमांड का शॉर्टकट क्या होता है एल, टाइप कीजिए एल, उसके बाद एंटर, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। अभी देखो जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो अभी 90 डिग्री में नहीं ड्रॉ हो रहे, तो उसके लिए आपको ऑन करना होगा ऑर्थो मोड ऑन। तो ऑर्थो मोड ऑन करने के लिए कीबोर्ड में जो F8 फंक्शन की होता है उसका आप यूज कर सकते हो। जैसे हम F8 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो लाइन ड्रॉ होगी वो 90 डिग्री में ड्रॉ होगी। यहाँ से हम प्रेस करेंगे F8, देखो ऑटोमेटिक ड्रॉ होगी। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे 54 mm की, 54, उसके बाद एंटर। उसके बाद यहाँ से अभी इस पॉइंट से हम दो सर्कल ड्रॉ करेंगे जिनका रेडियस है 42 और रेडियस 30 mm। सर्कल, एंटर, उसके बाद पॉइंट, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। अभी रेडियस 30, उसके बाद एंटर, फिर से सर्कल, सेंटर पॉइंट, रेडियस 42, फिर से एंटर। अभी इस सर्कल को रेडियस 30 mm का जो आपने सर्कल बनाया इसको आपको अभी मूव करना होगा यहाँ से इस पॉइंट से 9 mm और उसके बाद ऊपर की ओर डायरेक्शन में 9 mm। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मूव करने के लिए टाइप कीजिए M, उसके बाद एंटर। अभी यहाँ से इसे क्लिक करके डिस्टेंस टाइप कीजिए, तो यहाँ से डिस्टेंस है 9 mm, उसके बाद एंटर, फिर से सेलेक्ट करेंगे, फिर से M एंटर मूव के लिए, फिर से ऊपर के डायरेक्शन में 9 mm, उसके बाद एंटर। इस तरह से आप मूव कर सकते हो। उसके बाद फिर से हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिनकी लेंथ है 24 mm। तो लाइन के लिए टाइप कीजिए एल, उसके बाद एंटर। तो यहाँ से ड्रॉ कीजिए लाइन 24, उसके बाद एंटर, राइट क्लिक करके एंटर। उसके बाद यहाँ से ड्रॉ कीजिए रेडियस 18 mm का सर्कल, सर्कल, उसके बाद एंटर, सेंटर पॉइंट, रेडियस 18 mm, उसके बाद एंटर, इस तरह से। अभी ये पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट कीजिए। यहाँ से लेंगे लाइन, उसके बाद एंटर, ये पॉइंट, इस पॉइंट को कनेक्ट कीजिए। आप कंट्रोल बटन प्रेस करके राइट क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कीजिए टेंजेंट, इस तरह से, फिर से एंटर। सेम ये भी आपको कनेक्ट करना है लाइन, सेंटर पॉइंट, उसके बाद कंट्रोल बटन प्रेस करके राइट क्लिक करके टेंजेंट, सॉरी, सबसे पहले हम जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उनको हम ट्रिम करेंगे, डिलीट करेंगे पहले, उसके बाद TR डबल एंटर, इस तरह से। उसके बाद लाइन, ये पॉइंट, और कंट्रोल बटन प्रेस करके राइट क्लिक करके
टेंजेंट इस पॉइंट को कनेक्ट कीजिए इस तरह से। उसके बाद राइट क्लिक करके एंटर या फिर एंटर पी बटन प्रेस कर सकते हो। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सर्कल के लाइन्स हैं उनको आप ट्रिम कर सकते हो। ट्रिम करने के लिए टाइप कीजिए TR, उसके बाद डबल एंटर, उसके बाद एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कीजिए इस तरह से। इस तरह से आप ट्रिम कर सकते हो। अभी जो ट्रिम नहीं हो रही उसको आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके ट्रिम कर सकते हो, सॉरी डिलीट कर सकते हो, DE उसके बाद एंटर इस तरह से। अभी आपको यहाँ से यूज करना होगा पोलर एरे कमांड, तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए पोलर एरे। उसके बाद जिसको भी आप पोलर करना चाहते हो, एरे करना चाहते हो, उस पार्ट को या फिर ड्राइंग को सिलेक्ट कीजिए। तो हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर, उसके बाद उसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कीजिए इस तरह से। ऑटोमेटिक पोलर एरे हो चुका है। अभी यहाँ पर देखो अभी आपको कितने आइटम्स चाहिए, कितने ब्लेड्स चाहिए, तो यहाँ से हम लेंगे 4, उसके बाद एंटर ब्लेड बोर्ड 4 ब्लेड्स बन गए इस तरह से। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से क्लोज एरिया कर लेना है इस तरह से। उसके बाद अभी हम डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे, डायमेंशन देंगे कैसे डायमेंशन देते हैं। तो डायमेंशन के लिए यहाँ से सेलेक्ट कीजिए लीनियर, सबसे पहले हम डायमीटर देंगे, डायमीटर यहाँ सेलेक्ट कीजिए डायमीटर, क्लिक करके इसे ड्रैग कीजिए, फिर सेंटर इस तरह से, फिर से यहाँ से सेलेक्ट कीजिए रेडियस। अभी देखो पूरा सर्कल ही, जैसे हम क्लिक करेंगे तो पूरी ड्राइंग सेलेक्ट हो रहे। तो अगर आपको सभी पार्ट्स अलग अलग करना है तो आपको यूज करना होगा एक्सप्लोर कमांड। तो एक्सप्लोर कमांड के लिए टाइप कीजिए EX, यहाँ पर एक्सप्लोर आ चुका है एक्सप्लोर। उसके बाद ड्राइंग को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद एंटर, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कीजिए डायमीटर इस तरह से। सॉरी रेडियस, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए रेडियस 42, उसके बाद एंटर, फिर से 30 और यहाँ पर रेडियस 80 mm इस तरह से। फिर से हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लीनियर डायमेंशन इस पॉइंट और इस पॉइंट, इसका डिस्टेंस है 54 mm। उसके बाद फिर से यहाँ से डिस्टेंस है 24 और यहाँ से डिस्टेंस है 9 mm और यहाँ का डिस्टेंस है 9 mm। तो इस तरह से आप इस ड्राइंग को ऑटोकैड में ड्रॉ कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।